तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लेजर मशीन का सॉफ्टवेयर की सेटिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सिस्टम सेटिंग में। यहाँ पर हम लेज़र की एक्स वाई पोजीशन सेट करते हैं, या मैं होम पोजीशन को आप में और लेज़र हेड को अपनी साइड रख रहा हूँ। बाकी सारी सेटिंग सेम है आपकी, जैसे जैसे है एज इट इज डाल दें। यहाँ कुछ चेक मार्क्स हैं, इन पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मेरे बाकी का ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाते हैं। अब यहाँ ऑप्शंस में आपके पास आ रहा है आउटपुट, आपको आउटपुट क्या चाहिए। मैंने आउटपुट यस डाल दिया ताकि मेरा कट के जो है पार्ट बाहर आ जाए। इसके बाद नीचे हम देखेंगे यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं, कट, स्कैन, डॉट और पेन। तो फिलहाल मुझे कट करना है तो मैं यहाँ कट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यदि आपको स्कैन करना है तो आप स्कैन क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे का ऑप्शन आ रहा है पार्ट ऑप्टिमाइज, इसको हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन है। अब इस सेटिंग में आपका जो ऑप्शन आता है ये आता है आपका आप लेज़र कैसे चलाना चाहते हैं। मैं अपनी लेज़र नेटवर्किंग के थ्रू चलाना चाहता हूँ। जो मेरे लेज़र का जो आईपी एड्रेस है उसको देखूँगा क्या है और वही यहाँ पर एज इट इज़ डाल दूँगा। अब यह लेज़र में मेरे पास ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा और यहाँ मेरा ये आईपी शो करेगा। आईपी जो आ रहा मेरा आ रहा 192.168.0.201। मैं यही नंबर अपने सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा 192.168.0.201। अब यहाँ पे टेस्ट करूँगा। अब यहाँ टेस्ट क्या है, मेरा सक्सेसफुल आ गया है, इसका मतलब मेरी कनेक्टिविटी हो गई है। अब मैं ऐसा अगर डायरेक्ट कमांड चलाता हूँ तो मेरी लेज़र चल जाती है। फिलहाल मैं एक फ़ाइल ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं अपनी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। अब जो भी मेरी पावर है मैं यहाँ डालूँगा। पावर यहाँ डाली जाती है हमारी सीट की थिकनेस के अकॉर्डिंग। अगर हमारी सीट 10 mm की है, 12 mm की है तो पावर कम डलेगी, और आपकी सीट आपकी 2 mm या 3 mm की है तो पावर ज़्यादा डलेगी। तो मैं स्पीड में डाल रहा हूँ, मेरी सपोज़ 5 mm की सीट है, मेरी लेज़र ठीक ठाक चलती है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ 15 पे मेरा कट जाता है 5 mm। अब इसके नीचे दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर। अभी आपकी ट्यूब पे डिपेंड करता है आपकी ट्यूब कितनी नई है या पुरानी। मेरी ट्यूब अभी पुरानी है तो मैं इसमें पावर डाल रहा हूँ 90-95। अगर आपकी ट्यूब नहीं है तो अभी 30-35 पर भी चल जाएगी। अभी नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जैसे स्टार्ट, स्टॉप, डाउनलोड। फिलहाल मैं डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जो मेरी सॉफ्टवेयर की जो फाइल मैंने बनाई है ये डाउनलोड होकर मेरे लेज़र मशीन में ऑटोमेटिक चली जाएगी। यहाँ मैं कुछ इसको नाम दे देता हूँ, जैसे मैं बॉक्स कटिंग कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया है BOX1। अब यहाँ पे आ गए डाउनलोड सक्सेस, मतलब ये मेरी फाइल अब डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ मैं नीचे फाइल में जा रहा हूँ, अब यहाँ देखो मेरा नाम आ गया BOX1। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और ये मेरी कटिंग हो गई स्टार्ट। अब इसमें ऐसे ऑप्शन दूसरा भी है, अगर मैं डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ तो भी मेरी लेज़र चल जाएगी। यहाँ मैंने ये स्टार्ट पे क्लिक किया है और ये आप देख सकते हैं मेरी लेज़र चल रही है। अब इसके पास मेरे पास तीसरा ऑप्शन आता है सेव टू फाइल। मैं यहाँ से अपनी फाइल को जो है पेन ड्राइव में सेव कर लेता हूँ और पेन ड्राइव से कॉपी कर दूंगा लेज़र मशीन में, और मैं इसको तीसरे तरीका वहाँ से भी चला सकता हूँ।